Hey, hi, welcome to JD Entertainment. My name is Faz Zariwala. मैं सूरत में हूँ वीर स्टड फार्म के ओनर के साथ. नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? सतीश भाई पटेल. सतीश भाई पटेल जी, कौन कौन है आपके साथ खड़े हुए? ये ट्रेनर भाई है, वकार भाई, और ये घोड़ों की सिकंदर. नहीं, ये घोड़े का नाम सिकंदर है. घोड़े का नाम सिकंदर है और इसका नाम है वाहिद. ये घोड़ों की देखभाल करते हैं. वाहिद घोड़ों की देखभाल करते हैं. पहले आप बताइए घोड़े के बारे में कुछ. इसका नाम सिकंदर है. ये अभी 1.5 साल से मैंने लिया हुआ है राजस्थान से. सिंधी नस्ल का है? सिंधी नस्ल का है. क्या उम्र का है? उम्र होगी इसकी 4-4.5 साल. 4-4.5 साल. और क्या हाइट का है? हाइट इसकी होगी 59. ठीक है, मैं वकार भाई से बात करना चाहूँगा. वकार भाई, आप अभी हमारी पूरी वीडियो में आप इसको राइड किए हो जी. बताइए इसमें राइड करना और वो मलंग, हाँ, क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों में? राइड में तो बहुत डिफरेंस. इसकी राइड उससे ज्यादा स्मूथ है. और इसकी ज्यादा हाँ, स्मूथ है. इसकी और स्पीड वाइज कौन बेटर? स्पीड वो ज्यादा है. मलंग घोड़े की स्पीड इससे ज्यादा है मतलब. हाँ? और बताइए राइडिंग एक्सपीरियंस इसका. और वो मतलब में उसकी स्पीड भी और उसका चलाव भी बहुत अलग है. मतलब में जैसे जैसे अलग अलग घोड़े होते हैं और घोड़ों की चाल भी अलग होती है, वैसे ही हर घोड़े की चाल. ये कितने साल से आप इसको चला रहे हो? किसको? ये घोड़े इसको 1.5 साल से चला रहा हूँ. और रेस में उतारे हो इसको? इसको 2 बार रेस में उतारा. कौन सी रेस की थी? यहाँ पे मांडवी है, बारडोली के मांडवी पास. में एक ऑफिशियल रेस होती है, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे जी. नंबर 1 कौन से साल में? ये पिछले साल में. अच्छा, और क्या स्पीड में रवाल चाल चला ये था? 35-37 जैसा था. 35-37 मेजरमेंट होता कैसे है? कोई डिवाइस लगाते हैं कि भाई बाइक चलती है? नहीं, बाइक मेजरमेंट. तो हम इलियास भाई एक्सप्लेन टू ओ वकार साहब जी एक्सप्लेन करें. वकार भाई बताइए कैसे घोड़े निकलते हैं, कैसे घोड़े निकलते हैं, कैसे उनका मेजर करते हैं जी? वो घोड़े बहुत सारे रहते होंगे घोड़े लाइन में, तो हर एक की स्पीड कैसे एक बाइक मेजर? लेकिन इसमें ऐसा है कि जो फॉल होता है मतलब और रेवाल जो चाल चलती है ना, तो फॉल भी होता है. मतलब चाल जब घोड़ा तोड़ता है, जब वो घोड़ा चाल तोड़ता है, तो पीछे वाला घोड़ा आसानी से उसको बीट करके निकल सकता है. अगर वो बीट नहीं करेगा तो आगे वाला घोड़ा आगे ही रहेगा. मतलब अगर जो चाल नहीं तोड़ा तो, और 3 बार चाल रवाल में तोड़ देगा तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. ओके, रवाल के अंदर वो इसका. सतीश भाई जजिंग भी करते हैं. सतीश भाई, आप जजिंग करते हो जी? तो अपने घोड़े की तो नहीं जजिंग करते हो ना? फिर तो बोलेंगे भाई, तो थोड़ा बायस हो जाएगा. ऐसे नहीं ना सतीश भाई, आप जजिंग के बारे में बताइए. हाँ, सारंगखेड़ा में जो बड़ा मेला होता है जी, इसमें हम लोग 4-5 आदमी हैं यहाँ के सूरत के, वो लोग जजिंग करने के लिए जाते हैं. ओके. कई सालों से जाते हैं. तो जब हमारा घोड़ा रेस में होता है तो आप क्या देखते हो घोड़े में? हैं, घोड़े में क्या देखते हो आप जब जजिंग के टाइम? घोड़ा साफ चाल चल रहा है कि नहीं, दूसरी बात कि वो इसने 3 बार तोड़ दिया तो वो फाउल में होगा. और जो साफ चाल चलता होगा, गलत चाल चल के पहला आएगा, उसको इनाम नहीं दिया जाएगा. ओके, और ये आपसी सहमति से होता होगा सारे? हाँ, जजों, हम 6-7 जजिंग है, वो सबके सहमति से होता है. ठीक, अगर घोड़ा चल नहीं रहा है, एक स्पीड के ऊपर पकड़ नहीं रहा है, तो कैसे उसकी स्पीड बढ़ाते हो आप? उसको तो प्रैक्टिस देनी पड़ती है हर रोज. जैसे जैसे समय बहुत बहुत निकलता है इसमें, आज जो स्पीड है 1 साल तक उसको थोड़ी बहुत बढ़ेगी. इसके पीछे ये वकार भाई की ज़्यादा मेहनत रहती है. तो वकार भाई से पूछेंगे, वकार भाई कोई एक घोड़ा है स्टक है एक स्पीड पे, बढ़ ही नहीं रहा, परेशान हो गया, यार ज्यादा स्पीड पकड़ता क्यों नहीं है जी, तो जी. क्या करोगे आप इसका? नहीं, वो धीरे धीरे मतलब मैं उसके जैसे रास्ता अच्छा हो, कच्चा रास्ता हो तो बहुत बेहतर है. मतलब तो ये से हाँ ये है, और कच्ची फिर और लंबी, जितना लंबा रास्ता हो ज्यादा मोड़ नहीं है. हाँ, ज्यादा मोड़ नहीं है, सीधा होगा तो वहाँ पे अच्छा ये रहेगा. और मतलब मैं डेली सवारी में घोड़ा रहे बंद पूरे साल, घोड़ा मतलब मैं राइडिंग में यूज में. कितना किलोमीटर चला लेते हो दिन में आप? दिन में मतलब 3-4 किलोमीटर चला लेते. अच्छा, हाँ, कभी कभी हल्का, रोज इतनी स्पीड से नहीं घुमाते, कभी कभी हल्का घुमाते. बारिश की सीजन होती है तो उस टाइम घोड़ा कम घूमता है, हल्का घूम, लेकिन घूमता जरूर है. ओके, वकार भाई आप एक एटेकर को देखो, क्या नाम है? वाहिद. वाहिद भाई, वाहिद आपसे बात करते हैं. वाहिद, बताइए इसकी देखभाल कैसे करते हो, क्या खिलाते हो इसका सुबह से रात तक के क्या है? सुबह में इसको दान देते, भूसा देते, बाजरी. कितना क्वांटिटी में देते? उसका माप रहता है 2 किलो, 2 किलो के आजू बाजू रहता है, थोड़ा 100-200 ग्राम, मतलब 2 किलो पक्का. तो सुबह देते इसको 7 बजे दान, उसके बाद पानी पिलाते, बाकी सूखा बाटा डालते, जुवार का बाटा आता है. ओके. बाजरी का वो सब अलग अलग आता है. ओके. फिर उसको साफ करते, क्लीन करते, इसको ब्रश मारते, खरेड़ा करते, फिर इसको मंडा. बहुत कुछ बोलना चाहते हो वकार भाई?
फिर इसको हाँ। मंडल सुबह में दाना देके मंडल में बांधते, थोड़ी देर घूमते घोड़े, ठीक है, रिलैक्स हो जाते, फिर बाद में तबेले में लाते, तबेले में लाके बांधते, फिर खाना डालते, अच्छा, फिर दोपहर को पानी पिलाते, फिर और सफाई करते। बहुत मेहनत का काम है, आप सारी मेहनत तो आप करते हो, लगे रहना पड़ता है, अच्छा दिन पानी बताना, ये उसका पेशाब बंद हो जाता है लीद घड़ी घड़ी, वो ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मेहनत है, हाँ, और उसको घड़ी घड़ी साफ करना पड़ता है, ठीक है। वकार भाई, अगर इनकी गैर मौजूदगी में, आप ही बता दीजिए, अगर ये गैर मौजूद है जी फार्म पर, क्या है इनका डाइट, क्या है इसका मतलब? इनको दिन में दो बार दाना देना पड़ता है, मतलब में जैसे चना है, बाजरी है, गेहूं है, जो भी मतलब में, और 2 किलो मतलब में राइडिंग, जिस घोड़े पर राइडिंग चालू रहती है उससे 2 kg देना पड़ता है एक घोड़े को, एक टाइम में, वैसे दो टाइम में देना चाहते हैं। तो रेस के पहले क्या प्रेपरेशन करते हो आप खिलाने पिलाने में? रेस के पहले मतलब खिलाने पिलाना, तो समझो कि ये घी भी खाता है, मध खाता है, शहद जो होता है, शहद खाता है, जो भी मतलब ताकत वाली वस्तु है वो हर चीज़ है, कैल्शियम है जिसकी, जो भी है। और एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्स वगैरह देते हो? जी जी, सप्लीमेंट भी इसके आते हैं। किस चीज़ का होता है ये? मतलब वो तो बना हुआ होता है रेडीमेड, यानी क्या चीज मिलती है उससे? वो कैल्शियम प्रोटीन का होता है, स्टेमिना के लिए होता है, थोड़ा पैर मजबूत होना, पैर मजबूत होना जी, और जो बॉडी का, जी बॉडी का मसाज होता है हाथ पैर की, तो यही वका ये जी रोज, ये अभी राइडिंग करने के बाद इसके पैर में पट्टे लगेंगे मालिश करके, ओके, केयर करना पड़ती है, नहीं तो इसके पैर जल्दी ये हो जाते, मतलब दर्द करने लगते हैं। ओके, अभी ये नेक्स्ट कौन सी रेस में पार्टिसिपेट करने वाला? ये अभी यहाँ पे हथुरा पे 26 जनवरी को वहाँ पे होगा, 26 जनवरी को। सिकंदर जी, आप लीजिए माइक, कहिए सर नेक्स्ट क्या प्लान है इसका? अभी 26 तारीख को रेस है दोनों को, हाँ, ये आप जनवरी का, जनवरी की 26 तारीख को, कहाँ तब दोनों घोड़ों को डालेंगे, तो वो भी वो तो डेब्यू करेगा अपना, फर्स्ट टाइम उसकी रहेगी, फर्स्ट टाइम रहेगी, ये छोटी रेस में भागेगा, वो वाला बड़ी रेस में भागेगा। अच्छा, सूरत की रेस के बारे में थोड़ी जानकारी। सूरत में रेस होती है तो लवाछा यहाँ से 10 किलोमीटर मैदान है। कौन से महीने होती है? जनवरी में ही होती है, जनवरी फरवरी, एक एक महीने के बाद होती है। ओके, इस साल तो नहीं किया हम लोगों ने, कोरोना के वजह से शायद नहीं होगी। ओके, और कच्छ में भी रेस होती है, वहीं भी हम लोग घोड़े लेके जाते हैं। ओके, और ये ऑफिशियल ऑफिशियल रेस है, राइट? क्या इनाम होता है इसमें? ट्रॉफी वगैरह मिलती है? ट्रॉफी मिलती है। ओके ओके, तो एक बंदा जो है, एक फार्म वाला कितने घोड़े उतार सकता है रेस में? एक ही घोड़ा चाहे कितना भी उतार सकता है, इसके पास मतलब बैठने वाले वो सवार चाहिए। अच्छा, एक रेस में एक ट्रैक पर आई मीन कितने घोड़े होते हैं? 20 के आसपास घोड़े होते हैं, 20 एक साथ दौड़ते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। और इसमें दो प्रकार की रेस होती है, छोटी वाली 1.5 किलोमीटर की, और जो बड़ी वाली है 3.5 किलोमीटर की होती है। और ये जो जीता हुआ, ये कौन सी किलोमीटर? छोटी रेस में जीता, छोटी रेस 1.5 किलोमीटर वाली। तो बड़ी वाली का स्टैमिना अब तक के नहीं आया? अभी नहीं आया, इसको 1-2 साल के बाद डालेंगे। पार्टिसिपेट किया था, हार गया क्या? पार्टिसिपेट ही नहीं किया? पार्टिसिपेट करवाते ही नहीं हम लोग। अच्छा, हमारे को पता रहता है एक कौन सी रेस, छोटी रेस का घोड़ा है, हाँ, लंबी रेस का घोड़ा, लंबी नहीं, वो वाला बड़ी रेस के लिए तैयार किया। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस किसी को भी डिटेल्स चाहिए, मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वंस अगेन, वीर स्टड फार्म है इनके फार्म का नाम। जिन किसी को भी विजिट करना है प्लीज़ आइए। सूरत में कौन से एरिया में है? जहांगीरपुरा, जहांगीरपुरा में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वाहिद और वकार भाई, थैंक यू सो मच। लांबो करनी वकर ला।